हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मोदक की रेसिपी, जिसे हम चॉकलेट बिस्किट के साथ बनाएंगे। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही आसानी से कम टाइम में ये बनकर रेडी हो जाती है। तो ये रेसिपी को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मोदक को बनाने के लिए हमें लेने होंगे ये गुडे की चॉकलेट बिस्किट, चॉकलेट सिरप, पिसा हुआ चावल का आटा, नारियल का बुरादा और चीनी का पाउडर। तो सबसे पहले हम मोदक के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट में ये गुड्डे का चॉकलेट बिस्किट लिया है। तो इसे पहले हम मिक्सर जार में ये बिस्किट को अच्छे से पीस लेंगे, फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे इसका। तो यहाँ पे मैंने सारा बिस्किट डाल दिया है, अब इसे कवर करके पीस लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसका फाइन पाउडर तैयार कर लिया है, बहुत ही अच्छे से एकदम पीस चुकी है। तो अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब 1 टेबल स्पून नारियल का बुरादा डाल देंगे। अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून चीनी का पाउडर भी डाल देंगे। आप अपने अनुसार चीनी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये हमारी मोदक के लिए स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब इसे एक साइड रख लेते हैं और अब हम चावल का आटा तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम गैस ऑन करके एक बर्तन में 1/2 ग्लास लगभग पानी डाल देंगे और इसे गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें चावल का आटा डाल देंगे। हमें थोड़ा थोड़ा करके ही चावल का आटा इसमें डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। हम एक बार में सारा आटा नहीं डालेंगे। तो अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और अब इसमें हम चॉकलेट सिरप ऐड करेंगे। लगभग 2 टेबल स्पून चॉकलेट सिरप इसमें डालेंगे, ताकि इसमें भी चॉकलेट फ्लेवर आ जाए। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अब 15 मिनट्स हो गए हैं और ये देखिए, अब ये आटा सेट हो चुका है। तो अब हम इसका मोदक बनाएंगे। तो ये मैंने एक छोटी सी लोई ले ली है और इसे हम इस तरह से गोल कर लेंगे और इसका इस तरह से कटोरी का शेप बना लेंगे। और अब ये फिलिंग इसमें भर देंगे, लगभग 1 टेबल स्पून फिलिंग लेंगे। और इस तरह से करते हुए हम धीरे धीरे इसे डिज़ाइन देंगे। और अब इसे हम इस तरह से क्लोज करते जाएंगे धीरे धीरे, और इसे फिर पूरा बंद कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा ये मोदक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसी तरह से लोई लेकर और फिर इसमें स्टफिंग भर कर और मोदक तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने सारा मोदक बनाकर रेडी कर लिया है। तो अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो उसके लिए हम स्टीमर लेंगे और इसमें पहले तेल लगा देंगे, ताकि इसमें मोदक चिपके नहीं।
इसे अच्छे से तेल लगा देते हैं, फैला लेते हैं। और अब हम इसमें ये बना हुआ मोदक डाल देंगे, सारा इसमें डाल देंगे। और अब इसके ऊपर हम ये ट्रे को रख देंगे स्टीम होने के लिए। अब इसे हम कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लेंगे। 10 मिनट में ये अच्छे से पक जाती है। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक गई है, इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसे निकाल लिया है और ये थोड़ी ठंडी भी हो चुकी है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है, ये देखिए। तो ये हमारा मोदक बनकर बिल्कुल रेडी है, चॉकलेट बिस्किट की मोदक। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।